खबर की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता दें, हमसे कुछ ही देर में केंद्र और किसानों के बीच तीसरे दौर की बैठक होगी। बैठक के लिए किसान नेता पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से हम आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ में महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट में ये बैठक होने जा रही है। किसान नेता पहुंच चुके हैं। तीसरा ये मौका है जब केंद्र के मंत्रियों के साथ किसान नेताओं की बैठक होने जा रही है। तो चंडीगढ़ में ये बैठक हो रही है। इससे पहले भी दो बैठक चंडीगढ़ में हुई और अब ये तीसरी बैठक है। बैठक में हल निकलता है या फिर नहीं, देखना होगा। चलिए हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि कालीरमन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि का रुख कर लेंगे। रवि, अब से कुछ ही देर में बैठक होने वाली है, क्या कुछ जानकारी अभी तक? बिल्कुल ज्योति, देखिए किसानों और केंद्रीय मंत्रियों की तीसरी बैठक होने जा रही है और इस बैठक में चर्चा जो है वो उन मुद्दों को लेकर आज संभव है जो जिन पर पिछली बैठक में सहमति नहीं बनी थी। यानी कि मुख्यतः जो तीन मुख्य मांगे हैं किसानों की, उन पर इस बैठक में ज्यादा चर्चा संभव है। पहली जो है एमएसपी पर गारंटी बनाना, कानून बनाने को लेकर तमाम जो किसान जो है वो बात कर रहे हैं। दूसरी कहीं ना कहीं कर्ज माफी को लेकर तमाम जो किसान हैं उनकी ये मुख्य मांग है। और तीसरी 60 साल से अधिक उम्र वाले तमाम किसानों की पेंशन को लेकर भी आज इस बैठक में चर्चा हो सकती है। तो कुछ एक मांगे हैं जिनको लेकर आज इस बैठक में चर्चा होगी। तमाम किसान नेता जो है वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं। कुछ एक किसान नेता हैं जो इस बैठक के लिए पहुंचे हैं। गुरमुख सिंह विर्क है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हरियाणा अन्नदाता किसान यूनियन के, वो पहुंच चुके हैं। उपकार सिंह लीगल एडवाइजर अन्नदाता किसान यूनियन के हैं, वो इस बैठक में पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ तरनजीत सिंह निमाना पंजाब अध्यक्ष अन्नदाता किसान यूनियन के हैं, वो यहाँ पहुंच चुके हैं। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के अध्यक्ष जगजीत सिंह डल्लेवाल जो है इस बैठक में पहुंच चुके हैं और तमाम किसान नेता भी इस बैठक में पहुंचने वाले हैं। कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण ये बैठक इसलिए भी हो जाती है ज्योति, क्योंकि देखिए पिछले 3 दिन से अगर बात की जाए तो तमाम जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली कूच पर अड़े हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं केंद्र भी ये चाहती है कि इस मुद्दे पर, इस मसले पर जो है हल जल्दी निकले। तो कहीं ना कहीं टेबल टॉक हो रही है, बैठकों में बातचीत जो है वो हो रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में शुरू होगी और इस बैठक में तमाम किसान नेता मौजूद रहने वाले हैं। आज की अगर बात की जाए तो आज का पूरा दिन का जो घटनाक्रम था वो कल किसान नेताओं की तरफ से शंभू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कहा गया था कि जब तक बैठक नहीं होती तब तक हम यहीं डेरा डालेंगे, आराम से बैठेंगे। तो आज का पूरा दिन का जो है कहीं ना कहीं धरने स्थल की अगर बात की जाए तो ठीक ठाक सा जो है शांति प्रिय रहा है। अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होगी, देखना होगा कि बैठक में किस प्रकार से कोई क्या कुछ फैसला जो है वो निकल करके सामने आता है। रवि, अभी तक साफ है, तीसरा दिन है कि ज्यादातर किसान पंजाब के ही हैं, दिल्ली कूच के लिए हरियाणा में प्रवेश नहीं मिला, तो कई जगहों पर रेल भी रोकी गई है। बिल्कुल ज्योति, देखिए कहीं ना कहीं किसान संगठनों की तरफ से जो अन्य किसान संगठन थे जो इस आंदोलन में दिल्ली कूच में शामिल नहीं थे, उनकी तरफ से ऐलान किया गया था कि हम किसानों के साथ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब में कई जगह पर जो ट्रेन रोकने की बात जो है वो की गई है। इसके साथ साथ केंद्र की तरफ से पंजाब के 3 जिलों में इंटरनेट सेवाएं जो है वो भी बंद की है और कहीं ना कहीं ये वो जिले हैं जो शंभू बॉर्डर के आसपास जो है वो लगते हैं। किसी प्रकार की कोई जो अफवाह जो है वो वहां से शंभू बॉर्डर से ना फैलाई जाए, उसको चलते देखते हुए कहीं ना कहीं केंद्र की तरफ से ये फैसला जो है वो लिया गया है। अब तमाम जो केंद्रीय नेता यहाँ पहुंचने वाले हैं, मंत्री यहाँ पहुंचने वाले हैं, तो वो कहीं ना कहीं अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद ये मीटिंग शुरू होगी। लेकिन जिस प्रकार से धरने की अगर बात की जाए, ये तमाम जो कूच करने वाले जो किसान हैं वो ज्यादातर पंजाब से हैं। हरियाणा में इस प्रकार से अभी तक इस प्रकार का समर्थन जो है इस किसान आंदोलन को अभी तक जो है वो नहीं मिला है। कहीं ना कहीं उम्मीद तमाम जो किसान हैं वो जता रहे हैं कि हरियाणा के किसान भी आगे बढ़कर आएंगे और इस किसान आंदोलन में उनका साथ देंगे। लेकिन लगातार जिस प्रकार से केंद्र की तरफ से सख्ती जो है वो की गई है या फिर हरियाणा सरकार की तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से जो सख्ती बरती गई है वो कहीं ना कहीं तमाम जो किसान नेता पिछले 2 दिन के घटनाक्रम की अगर बात की जाए तो ज्योति आगे बढ़ने का प्रयास जो है वो लगातार कर रहे थे।
बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की गई थी, उसके जवाब में हरियाणा पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आंसू गैस के गोले जो हैं वो दागे गए हैं। उसको लेकर भी तमाम जो किसान हैं वो नाराज हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस प्रकार से केंद्र का और पुलिस प्रशासन का रवैया है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत उसको ठहराया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया रवि, पूरी जानकारी आपने दी, तो अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे, खबर से जुड़ी नजर आप बनाए रखिएगा। तो चंडीगढ़ की हम बात कर रहे हैं, तीसरे दौर की बैठक, केंद्र के साथ किसान नेता फिर बैठक करने जा रहे हैं, किसान नेता पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही पलों बाद ये बैठक शुरू होगी। अब देखना ये है क्या कोई हल, कोई समाधान, कोई बीच का रास्ता इस बैठक से निकलता है या फिर नहीं।